Hello traders, welcome to Aliceblue. मैं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज और हम बात करेंगे मार्केट कैसे एनालाइज किया जाता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जिंक और जिंक का पिवट पॉइंट तो आज दिया हुआ है 186. उसका बाद आप देख सकते हैं जितना वो रेजिस्टेंट क्रिएट हुआ उसका ऊपर, मतलब मार्केट उसका ऊपर में गैप अप में ओपन हुआ है. तो रेजिस्टेंट का तो ये डेली में कोई इसमें तो मायने नहीं रखता. तो उसमें हम आज बात करेंगे, हम वीकली देखेंगे क्योंकि डेली तो ऊपर निकल गया. तो वीकली हम इसका पिवट पॉइंट है तो इसका पिवट पॉइंट डालेंगे. तो आप देख सकते हैं वीकली भी जो लास्ट रेजिस्टेंट पिवट पॉइंट था उसका पास में ही है. तो इधर देख सकते हैं ये वीकली रेजिस्टेंट, तो उसका ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ है. सेकंड रेजिस्टेंट का ऊपर में ओपन हुआ है, ये थर्ड रेजिस्टेंट का पास में ही है, ये वीकली है. तो हम अगर देखें तो वीकली में तो कैसे वीकली ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहिए. तो आप देख सकते हैं मैंने ये वीकली, डेली तो बहुत ऊपर निकल गया तो इसलिए वीकली चार्ट लिया. तो वीकली चार्ट में आप एक देख सकते हैं ये 100 मूविंग एवरेज है, राइट, 100 मूविंग एवरेज. और ये एक रेजिस्टेंस लाइन बना रखा हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल, तो ये मुझे पहले रेजिस्टेंस लाइन मिल गया. तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 मूविंग एवरेज. तो एग्जैक्टली जहाँ मैं 50 मूविंग एवरेज डाला वहाँ पे आप देख सकते हैं ये हायर पॉइंट ये, और थ्री हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे. फर्स्ट ये रेजिस्टेंस लाइन हुआ, यहाँ सपोर्टिंग लाइन, इधर सपोर्टिंग लाइन, और यहाँ पे आके हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिला वीकली में. ओके, तो हम अगर डेली में देखें तो डेली में हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे डेली जो वीकली था यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 200 डेली में एक रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है. तो इधर हम देखेंगे ये सपोर्टिंग लाइन हमें मिल गया डेली में. ठीक है, फर्स्ट सपोर्टिंग लाइन एंड अनदर यहाँ पे जो हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने एक सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, राइट. तो ये एक मैं सेटअप बना रहा हूँ, मैं पहले ही बताया था आपको, मैंने ड्रॉ किया था शायद अगर आपने देखा तो प्रीवियस वीडियो. तो यहाँ पे मैंने एक नेक लाइन बनाया था ये, तो इसको अगर तोड़ दिया तो मैंने आपको प्रोजेक्शन किया था मार्केट ऊपर चला जाएगा. तो ये देख सकते हैं आप 100% इसको तोड़ा, आप अगर पहले वीडियो भी देख सकते हैं मेरा. तो यहाँ पे तोड़ किया मार्केट ऊपर निकल गया, राइट. तो मैंने पहले टारगेट दिया था अराउंड 188.68, तो एग्जैक्टली वहाँ गया. तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है 202 तक. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा. तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटा टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर. तो 1 आवर आप देख सकते हैं मार्केट तो बहुत गैप अप में ओपन हुआ है, CCI और ये तो ओवर बोथ जोन में है. तो इसमें 1 आवर भी उसका ऊपर निकल गया. तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैंने अगर ड्रॉ किया एक रेजिस्टेंस लाइन, तो इसका रेजिस्टेंस लाइन तो आज आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर ही ओपन हुआ है. तो क्या आज यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे सकता है या यह जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू करेंगे, तो इसका ऊपर देखेंगे हम. तो अगर हमने 15 मिनट का देखा तो चार्ट, तो अगर यहाँ पे आप ये जो एरिया है जो रेजिस्टेंस लाइन है 192.83, तो मुझे थोड़ा तो लगता है यहाँ पे तो थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस लाइन सॉरी रिट्रेसमेंट तो देना ही चाहिए इसमें. क्योंकि अगर हम 5 मिनट में देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था ये नीचे करेक्शन देने के लिए, तो फर्स्ट तो फेल हो गया, फिर से ऊपर की तरफ निकल गया. तो आपको अगर एंट्री करना है तो इसका ऊपर करना चाहिए जैसे 192.83, तो उसका ऊपर अगर कैंडल फॉर्म हो गया तो तब आप बाय में एंट्री कीजिए. क्योंकि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देना ही चाहिए मार्केट, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा. अगर मार्केट रिट्रेसमेंट दिया नीचे आ गया, अगर
उसका साथ जो 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज दोनों साथ में निकल जाएगा यहां तक, और यहां पे जाके एक बिग सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो सपोर्ट बन के अगर सपोर्ट का ऊपर फिर से एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा तो वहां पे आप बाय ले सकते हैं। सपोज यहां पे मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आके यहां पे भी मूविंग एवरेज भी नीचे ऊपर की तरफ आ जाएगा तो वहां पे एक बड़ा लाइक सपोर्टिंग जोन बनेगा, बाद में जाके यहां से फिर से एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा। अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया 200, 100 और 50 का ऊपर और ये 188.63 उसका ऊपर अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया तो उसमें आप बाय जा सकता है, तो आप बाय लेना है वहां से, और एसटी भी आप थोड़ा वो नीचे लगा सकता है। ठीक है, ये सपोर्टिंग रेंज में। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।